जान बेटा, तो नमाज पढ़ लो तो जान बेटा। मुमान मुमान उठो, नमाज पढ़ लो, फिर स्कूल नहीं जाना, फिर स्कूल जाओगे। मैं भी नमाज पढ़ रही हूँ, उठो बेटा, जल्दी जल्दी उठो बेटा, उठो वजू कर लो बेटा, वजू कर लो। चलो पहले नमाज पढ़ लो, फिर सबक याद कर लेना, ठीक है ना। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم پیارے ور ہو تو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ جو میرے بھائی بہنیں دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں یا کسی پریشانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ تو اس نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام بھائی اور بہنوں سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے، اور جو ہے نا ویڈیو کو پورا واچ کرنا، لائک شیئر بھی ضرور کرنا ہے۔ جی تو پیارے ویورز، آج جو ہے نا ماشاء اللہ سے صبح صبح کا ٹائم ہے، عید کے بعد کی جو ہے نا آج ہماری صبح کی روٹین ہے۔ تو ویورز، جیسے کہ ماہ رمضان میں انسان عبادت کرتا ہے، پورا سال جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے، تو انسان کو جو ہے نا عبادت کرنی چاہیے۔ تو ویورز، اللہ کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں آج کے دن کے کام۔ تو ویورز، صبح صبح کا ٹائم ہے، میں جو ہے نا پہلے چلتی ہوں، میں نے برتن دھونے ہیں، نمان اور اجان کے لیے چائے بھی بنانی ہے، پھر جو ہے نا ان کے بعد آٹا بھی گوندھنا ہے۔ ویورز، کام کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں بس، شام کو جو ہے نا میں نے سالن جو بنایا تھا وہ برتن میں نے ایسے ہی رکھ دیے تھے۔ اب جو ہے نا پہلے میں چائے والے برتن دھو لیتی ہوں۔ بس مہمان اور اجام تو کچھ دیر باہر چلے گئے ہیں نا، تو صبح صبح کا ٹائم ہے نا، مہمان اور اجام جو ہے نا باہر چلے گئے ہیں۔ چائے، کیونکہ بچے جو ہے نا صبح صبح جب اٹھتے ہیں نا، انہیں آدھا آدھا کپ چائے کا میں دیتی ہوں، تو پھر جو ہے نا کچھ کافی ہوشیار ہو جاتے ہیں، سکول کے لیے جو ہے نا ریڈی ہو جاتے ہیں۔
तो ऐसे तो उनके जो है ना जिस्म में बस लूज सी होती है, थकावट सी होती है ना, तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा कि पहले जो है ना चाय बना कर नुमान और रजान को दे देती हूँ। माशाल्लाह से व्यूअर्स, असल में अभी जो है ना सुबह सुबह टाइम है ना, कुछ ठंडा टाइम है, पता नहीं दिन को इतनी गर्मी होती है ना व्यूअर्स, तो काम जो है ना हम सुबह सुबह जो है ना टाइम पर मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, फिर जो है ना नुमान और रजान जो है ना स्कूल चले जाते हैं ना, तो फिर जब नुमान और रजान आते हैं ना सालन बनाना उनका पड़ता है ना, बहुत गर्मी होती है दिन को व्यूअर्स। यहीं पर जो है ना मेरा चूल्हा है, ऊपर से जो है ना धूप कि कोई बचाव भी नहीं है, तो नुमान और अजान का सालन रोटी बनाना बहुत ही मुश्किल होता है ना, क्योंकि अब जो है ना गर्मियां बहुत आ चुकी हैं ना, गांव में तो इतनी गर्मी होती है ना, सच्ची पूछे तो यार इतनी गर्मी होती है, काम करना उकरासी होती है। और सुबह सुबह जो है ना आज तो लाइट ही चली गई, ये देखिए हमारा पंखा भी बंद है आज, मैंने जो है ना ये तार कट्टी करके बस पंखे को खड़ा दिया था, मैंने सोचा कि जब लाइट ही नहीं आए तो इनको जो है ना अब जो है ना नुमान और अजान का सालन रोटी बना लूँगी, फिर वो स्कूल चले जाएंगे, ये पंखा भी अंदर रख दूँगी और ये कपड़े भी नुमान और अजान की जो है ना चार पहियाँ भी अंदर डालूँगी झाड़ू देकर। तो एक बार फिर जो है ना मैं मेरी एक गाय है उनका घास बनाने चली जाती हूँ। असल में पहले तो सासू माँ जो है ना मेरे घर में ही थी, अब जो है ना जब से माह रमज़ान ख़त्म हुआ है ना वो अपने छोटे बेटे के यहाँ चली गई है ना व्यूअर्स, तो पहले जो है ना मेरा कुछ हाथ बटा देती थी सासू माँ, कभी आटा गूंध लेती थी, कभी लकड़ियाँ ले आती थी, तो अब जो है ना सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं व्यूअर्स। तो आहिस्ता आहिस्ता सारा दिन लगी रहती हूँ काम में, काम ही कर ही लेती हूँ, और ऊपर से मजदूरी भी करने जाना पड़ता है ना, तो फिर जब गाय का घास बनाने जाती हूँ, आजकल जो है ना मजदूरी क्या चल रही है, कपास के चौपे जो होते हैं ना वो लग रहे हैं, तो एकड़ के हिसाब से जो है ना जो भी मुझसे होता है वो मैं 2 या 4 घंटे वो चौपे लगा लेती हूँ, फिर जो है ना गाय का घास बनाकर घर आ जाती हूँ, फिर नुमान और अजान भी स्कूल से घर आ जाती है, तो चलो 2-2.5 साल जो है ना बन जाता है ना, इनके अबू जो है ना नुमान और अजान के वो भी मजदूरी पर होते हैं, तो इसी तरह घर का गुजारा चलाते हैं व्यूअर। चीनी पत्ती घी के बगैर व्यूअर आपको पता है कि इंसान का गुजारा ही नहीं होता, बच्चे जो है उनका जो है ना ये हर चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। सुबह सुबह का टाइम है, चाय तैयार हमारी हो चुकी है, अब जो है ना नुमान और अजान को चाय देते हैं, और जो है ना मैं आटा गूंदूंगी और नुमान और अजान स्कूल जाएंगे इंशाल्लाह, इनकी जो है ना कुछ नींद पास मुझे ये लो अजान मुझे दो चाय पी लो, फिर जो है ना तुम तैयारी कर लो स्कूल की, ठीक है ना, ये लो ये तो प्यारे व्यूअर्स ये आटा भी मैं गूंदूंगी क्योंकि बच्चे जो है ना अब जल्दी जल्दी ये काम करूंगी मैं स्कूल जाएंगे ना व्यूअर्स,
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, और कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह।